हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शबिका किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा। ये एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को आप सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर सकते हो। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने ली हूँ 1.5 कप पोहा। ये मीडियम साइज पोहा है, ज़्यादा बारीक या मोटा पोहा ना यूज़ करें। 1 मीडियम साइज प्याज, इसे मैंने बारीक स्लाइस कर ली हूँ। 5 से 6 हरी मिर्च, इसे मैंने बीच से कट कर ली हूँ। 1 नींबू का रस, कच्ची मूंगफली या सेंग, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, 8 से 10 कड़ी पत्ता। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे या छन्नी लेंगे और पोहे को उसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके फोक की मदद से इसे चलाते रहेंगे। याद रखिए कि हमें पोहे को पानी में भिगो के नहीं रखना है, उससे वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और पोहा सही से नहीं बनता। हमें इसे रनिंग वाटर से ही वॉश करना है। इस तरह छन्नी या स्ट्रेनर की मदद से वॉश करने से इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो नीचे निकल आता है और पानी सिर्फ इतना यूज करें कि जिससे पोहा फूक जाए। ज़्यादा पानी ऐड करने से या फिर इसे पानी में ही रख देने से ये गीला हो जाता है और पोहा सही से बनके तैयार नहीं होता। तो आप देख सकते हो इसमें सही क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम एक पैन गरम करके उसमें मूंगफली या सेंग दाने को भून लेंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए स्लो आंच पे भून लेंगे। मैंने यहाँ पे कच्ची मूंगफली ली हूँ, इसीलिए मैं इसे भून रही हूँ। आप चाहो तो भुनी हुई मूंगफली भी यूज कर सकते हो। मूंगफली को कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए स्लो आंच पे ही भुने, नहीं तो ये जल जाएगी और इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो ये हमारी मूंगफली भून के तैयार हो चुकी है। अब हम सेम पैन में तेल ऐड करेंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा, राई और कड़ी पत्ता। अब हम इसे स्लो आंच पे 1 मिनट के लिए कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए ही पका लेंगे। तेज आंच पे ना पकाए, नहीं तो ये जल जाएगा। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे हम उसमें ऐड कर देंगे प्याज और हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। अब हम तेज आंच पे कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए ही प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और हल्दी ऐड करने के बाद हम 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे, जिससे हल्दी का कच्चापन चला जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे।
नमक अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे भुनी हुई मूंगफली जिसे अभी हमने भून लिए थे, और इन सारी चीजों को एक बार मिक्स कर लेंगे। मूंगफली की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे पोहा। आप देख सकते हैं कि पोहा खिला खिला है, ये गीला नहीं हुआ है और ना ही कड़क है। आप जब भी पोहा वॉश करें तो पानी की क्वांटिटी सही रखें और इसे सही तरीके से ही वॉश करें। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखिए कि हल्दी हमें बाद में ऐड नहीं करना है, नहीं तो पोहा का टेस्ट कड़वा हो जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ना भी यूज करो। ऐसा करने से पोहा सॉफ्ट होता है। अब हम इसे ढक्कन ढककर 2 मिनट के लिए स्लो आंच पे पका लेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि पोहा रेडी हो चुका है। तो एक बार इसे चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस आप चाहो तो सर्व करने के टाइम भी ऐड कर सकते हो। और लास्ट में हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। तो ये हमारा पोहा बनके तैयार हो चुका है। मैंने इसे बारीक सेव और अनार के दाने से गार्निश कर दी हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।